हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। देखिए उसको किस तरीके से बनाते हैं। मैंने एक कटोरी काबली चना लिया था, इसको रात में पानी में भिगो दिया 3 कटोरी में। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। जब हम इसको बॉईल करने रखेंगे तो उसमें डालेंगे 2 टुकड़े आमले के, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता डाल के मैं इसको नमक डाल के बॉईल कर लूँगी। हम चने को बॉईल करने रख देंगे। मैं चने की ग्रेवी बनाने के लिए लूँगी 4 टमाटर, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्ची और इनको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट जो तैयार है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और जीरा और 1 तेज़पत्ता। उसके बाद अपने टमाटर की प्यूरी को मैं अच्छे से भून लूँगी। अभी देखिए हमारी टमाटर की प्यूरी अच्छे से भुन गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे और धनिया पाउडर। उसके बाद मैं नमक, उसके बाद में मैं डाल दूँगी गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच और अब मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें अपने छोले डाल देंगे जो हमने बॉईल किए हुए थे। और इसको अच्छे से चलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर ढक देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। ऊपर भी ऑयल आ गया है, इसका मतलब ये तैयार है। और इसके बाद में मैं इसमें अमचूर पाउडर मिलाऊंगी थोड़ा सा, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये पूड़ी, पराठे, चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और ये बिना प्याज लहसुन के तो आप कैसे भी व्रत में बना सकते हो, पूजा में बना सकते हो। और आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी।